गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा मेरे बाल मेसी हो रहे हैं, थोड़ा आप लुक को प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत 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 बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनको कभी भी ट्रैवलिंग करने पर ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, ब्ला 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 की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, आप सबसे पहली बात तो इसमें मोटे पतले होने का देखो कोई वो नहीं होता कि जो मोटे लोग हैं उन्हीं को स्वेलिंग प्रॉब्लम होगा या उन्हीं को हैवीनेस लगेगा। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो जब भी आप ट्रैवलिंग पर होते हो, आप मान लीजिए कहीं खाना खाने गए, आपने अच्छा खूब भर के खा लिया, मील पोर्शन ध्यान नहीं रखा, खट्टा मीठा ठंडा गर्म जो भी था वो सब एक साथ खा लिया, अब वो डाइजेस्ट होने में टाइम भी लगाएगा क्योंकि आप खाना खाया, आप अपनी कार में बैठे और निकल लिए, तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आपको क्या लगेगा, शरीर में जो है ब्लोटिंग सा हो रहा है, वाटर रिटेंशन सा लग रहा है, उबकाई सी आ रही है या अजीब अजीब सा लग रहा है, मतलब कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, सो मैं आप लोगों के साथ दो चीजें यहां आज शेयर करूंगी, पहला टिप, दूसरा वर्कआउट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगली बार जब आप किसी भी अपने जाते हो ट्रैवलिंग पर, ठीक है, हॉलीडे पर, तो ये ट्राई करके जरूर देखना, आपको गारंटीड इसका जो है जो फर्क है वो नजर आएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी खाना है जितना भी खा लेना है ना, आप जिस वेन्यू पर आप पहुंचने वाले हो 8 घंटे की राइड के बाद या जितनी भी देर के बाद, आप रात को खाना नहीं खाओगे, दिन में खा लो, जो खाना है वो खा लो। आप जिस टाइम वेन्यू पर पहुंचे हो आप उस टाइम सिर्फ अपनी या तो ग्रीन टी लेंगे या जिंजर टी लेंगे, दैट्स इट। ये दोनों लेने से एक तो होगा क्या, सॉल्ट इनटेक जो है वो आपकी बॉडी में रात को नहीं जाएगा। आप ये जिंजर टी या जो ग्रीन टी लेंगे, एक तो आपका जो स्वेलिंग पार्ट है वो भी कम होगा, वाटर रिटेंशन वो भी कम होगा, और आपने जो खाया है ना खाना वो डाइजेस्ट भी आसानी से हो पाएगा। आई नो थोड़ा मुश्किल होता है कि जब आप छुट्टी पर हो और खाना ना खाओ या वहाँ का बहुत अच्छा बुफे है, डिनर है, कोई बात नहीं, अगले दिन खा सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो वो रात आपको स्किप करना है, ग्रीन टी या जिंजर टी अप टू यू। दूसरा, ये कुछ वर्कआउट है, कार्डियो वर्कआउट है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने स्टेमिना के हिसाब से टाइमर लगा के करना है टाइमर लगा कर लो, काउंटिंग के साथ करना है काउंटिंग के साथ कर लो, लेकिन अगली मॉर्निंग आपको 15 से 20 मिनट अपने लिए देने ही देने हैं अगर आप चाहते हो बाकी का हॉलीडे बिना किसी दिक्कत के जाए तो 15 मिनट तो दे ही सकते हैं ना, है ना। तो चलो फटाफट ये वर्कआउट देखो और अगली बार जब आप किसी भी हॉलीडे पे जाते हो तो ये ट्राई करके जरूर देखना। वाटर इंटेक सिर्फ उतना रखो जितनी आपको प्यास है, जितना आपको लगता है लेना है, इतना पानी पीने की जरूरत नहीं होती कि आप सिर्फ वॉशरूम जाते रहो। ठीक है, जितनी प्यास है उतना पियो, थोड़ा नील पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, कोशिश तो हम कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा वर्कआउट देखो करो और फर्क जरूर महसूस करो। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।